किसानों को जो दो महीने से अधिक समय से जिस रूप में ठंड के अंदर बैठना पड़ा, धरना देना पड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। देश हित में भी नहीं है, क्योंकि किसान जो अन्नदाता कहलाता है, अगर उसको ये स्थिति पैदा हो जाए देश के अंदर, उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे कोई भी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। क्या ठंड पड़ रही भयंकर, उसके अंदर सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं जिस रूप में, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं आज के दिन भी, तो समझना चाहिए जय जवान जय किसान की बात हम करते हैं, तो जवान भी बॉर्डर पर हैं, वो देश की रक्षा कर रहा है, और किसान को आज अगर बैठना पड़े इस प्रकार से धरने दे करके लंबे समय तक, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। मांगे हर वर्ग रखता है, कोई रास्ता निकल सकता है, पर क्योंकि इसकी प्रक्रिया ही शुरू से गलत की गई, पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्षी बात सुनी नहीं गई, और अगर एक कमेटी को सौंप देते ये मामला, जिस सेलेक्ट कमेटी में भी, और उसमें सब पार्टी के लोग होते हैं, वो लोगों के ओपिनियन ले लेते, देशवासियों की, किसानों की, आज नौबत नहीं आती। इतना बड़ा अविश्वास पैदा हो गया, इसका मूल कारण है अविश्वास कारण है, मूल कारण है। तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर सरकारी फैसले नहीं बदलती है क्या? फैसला बदलना, अगर जन भावना देख करके फैसला बदलना कोई किसी की अवमानना नहीं है, बल्कि बड़प्पन दिखता है कि सरकार में हम लोग हैं, उसमें अगर आपने कोई फैसला, कोई कानून विड्रॉ कर लिया, समाप्त कर दिया, तो क्या बिगड़ने वाला आपका? कल आप किसानों से बात करके नया कानून पेश कर सकते हो, नया कानून ला सकते हो। इस समझ के परे जो इनकी अप्रोच है, जो हम आरोप लगाते बार बार कि इनका कोई विश्वास नहीं डेमोक्रेसी के अंदर, ये और प्रूव हो गया है ये 70 दिन के अंदर कि आज कितने लोग मारे गए हैं, 150 की फिगर आ रहे हैं मारने वालों के। तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी विश्वास होता इनका, अगर फासी की प्रवृत्ति नहीं होती, अगर अहम घमंड नहीं होता, तो मेरे ख्याल से ये नौबत नहीं आती। और पूरे विश्व देख रहा है हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, हिंदुस्तान के अंदर किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। उस अन्नदाता को आप किस रूप में बेइज्जती कर रहे हो, ये आपको किसने अधिकार दिया है आपको, ये सोचने की बात है। कांग्रेस बड़ा आंदोलन कर रही है, आपको लगता है कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिल जाए, इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार डर रही है आंदोलन? देखिए, कोई ऐसा नहीं है, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है विपक्ष की हैं, वो भी अपने आप को खाली एकजुटता दिखा रही है उनके साथ में। जैसे किसान संगठनों की भावना है कि पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहते इस आंदोलन को, हम भी स्वीकार करते इस बात को, इसका राजनीतिकरण नहीं हो। अभी तक मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा, जिस रूप में इन्होंने शांति सद्भाव के साथ में आंदोलन किया है, ये भी अपना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और विपक्षी पार्टियाँ खाली एकजुटता दिखाती है, वो हमारा फर्ज बनता है। तो मैं सोचता हूँ कि देश में देखिए कैसी स्थिति आ गई है कि आज तमाम संस्थाएं जुडिशरी के ऊपर दबाव है। देश के अंदर CBI, इनकम टैक्स, ED के आप देख ही रहे हो किस प्रकार से दबाव में काम कर रही है, किस प्रकार सरकारें गिराने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। पहले गोवा में और मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, बाद में कर्नाटक में, मध्य प्रदेश की सरकारें गिराई गई, राजस्थान में इनकी चल नहीं पाई है, कोई कमी रखी नहीं थी इन लोगों ने। जिस रूप में राजस्थान में भी पब्लिक एकजुट रही, उसके कारण इनको मुँह की खानी पड़ी। पर आज डेमोक्रेसी में सरकार इस प्रकार गिरी जाती है क्या? खरीद फरोख करके, आप खरीद करके कैसे आप विधायकों को, आप गुजरात में भी, राजस्थान में भी आप इसी में दिलवा रहे हो राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए? ये देश में पहली बार तमाशे हो रहे हैं, इसको समझ निकाल सकता है और मीडिया को समझ निकाल सकता है। मीडिया इतना दबाव के अंदर, देश के अंदर मीडिया इतना दबाव में आज तक कभी नहीं रहा है। हमेशा मीडिया के बारे में कोई अगर फैसला होने लगा सरकार द्वारा, तो पूरा मीडिया एकजुट होकर विरोध करता था उसका, वो टाइम भी था, हमने देखा है। और आज मीडिया इतना दबाव में है, डर गया, भयग्रस्त है, वो भी इनकम टैक्स से, CBI से, ED से। आप सोचिए भी डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? डेमोक्रेसी में आप जो असहमति व्यक्त करते हैं उसका वेलकम होना चाहिए। और इस देश के अंदर
अगर आप असहमत हैं सरकार के विचारों से तो आप देशद्रोही हो। ये हालात बना दिए देश के। तो अगर देशवासियों को अगर समय रहते समझ में नहीं आएगी तो पूरे देश को आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ देश वो नहीं होगा। देखिए राजस्थान में तो पब्लिक ने साथ दिया लॉकडाउन के वक्त में, सारी संस्थाओं ने साथ दिया, हमने पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेने की कोशिश करी, धर्मगुरुओं को साथ लिया, तो कोरोना का मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ और वैक्सीनेशन के लिए भी अगर WHO कहता है तो कोई मायने रखता है कि वो काम भी हमारे यहाँ बहुत टॉप पर चल रहा है। सारे पैरामीटर में राजस्थान खड़ा उतरा, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर जो तमाम पैरामीटर पर खड़ा उतरा है, इस बात की मैं बहुत ही खुशी बात की। पेट्रोल 100 रुपये लीटर पहुँच गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है केंद्र में। वो केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था जिस रूप में वो बताना नहीं चाहते हैं कि क्या स्थिति है, RBI कभी कभी अपना मुंह खोलता है, कोई बोल नहीं रहा है। पेट्रोल के दाम जब 60-65 रुपये हो गए थे UPA गवर्नमेंट के वक्त में, उस वक्त प्रति बैरल $140 रेट थी उस वक्त में, अब वो आ गई 40 पे आ गई 35 पे आ गई है, तब भी भाव कम करने के बजाय बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? राज्यों को दोष देना बहुत ही बकवास बात है। राज्य कुछ एक्साइज वसूल करती है, मुख्य रूप से जो एक्साइज और एडिशनल एक्साइज, और आपको जान के खुश दुख होगा कि जो एक्साइज मिलती है दो तरह की एक्साइज, तीन तरह की एक्साइज है वहाँ पर जो लगती है पेट्रोल डीजल पर। एक एक्साइज जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है सब राज्यों का, उसको तो घटा रहे हैं वहाँ पर, और जो हिस्सा राज्य का नहीं होता है उसको बढ़ा रहे हैं अपनी इनकम करने के लिए। तो इनका वित्तीय प्रबंधन है कहाँ पर? आर्थिक संकट में देश गुजर रहा है, बहुत भयंकर आर्थिक संकट है, GDP आपकी माइनस में जाने लग गई है, हालात बड़े गंभीर हैं, बेकारी बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी बढ़ गई है कि नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेकर। कोरोना के अंदर जो नौकरी चली गई लाखों करोड़ लोगों की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि हम क्या स्कीमें बनाएं जिससे वापस लोगों को रोज़गार मिल सके, ये चिंता देश के अंदर सरकार को नहीं है। सर बजट सत्र भी आने वाला है तो किस तरह चैलेंजिंग रहेगा, कटौतियां करेंगे, किसानों को राहत देने की मांग राजस्थान? तैयारी हमने शुरू कर दी अभी से ही बजट की। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम कैसे लोगों के गुड गवर्नेंस के आधार बना करके हम लोग क्या फैसले कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, चाहे पानी बिजली या शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें जो भी हो उसमें हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं, और सरकारी और गैर सरकारी नौकरी कैसे लग सके नौजवानों की उस पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि आज जो हम लोगों ने प्रयास किए पिछले 2 महीने से हर क्षेत्र को हमने टच करने का प्रयास किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आने लगेगा तो जाके नौकरियों की राह खुलेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, वो हमारा प्रयास है। सेंटर से सर आ रहा है GST का पैसा, उम्मीद है वो आपकी बात सुनेंगे? कौन राज्यों की बात सुन कौन रहा दिल्ली के अंदर, जहाँ सरकार ने BJP की है उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, मजबूरी में तकलीफ में वो भी हैं, और जहाँ सरकारें BJP की नहीं हैं वो बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। GST जो हमारा हक है, लिखित में वादा किया हुआ, वो पूरा नहीं कर रहे लोग, तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। लाचन कटारे कहते हैं मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सरकार गिर जाएगी, बार बार मजाक बना रखा इतने बड़े कटारिया जी, तो देखिए अब उनकी एज ऐसी हो गई है कि जो फॉर्मूला है मोदी जी के फॉर्मूले के अनुसार तो इनको देखो इस्तीफा देना चाहिए। जो मार्गदर्शक मंडल बना है दिल्ली में उस जगह जाके इनको मतलब जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, तो इसलिए अब वो तो क्या एक प्रकार से दिल्ली के नेताओं को खुश रखो कि सरकार गिराने का षड्यंत्र था, उसमें मुँह की खानी पड़ी, तो उनको खुश कैसे रखें जिससे कि वो खुद अपने आप को बचाव कर सके। दूसरा उनकी पार्टी में इतनी फूट है राजस्थान में, ऐसी फूट आज तक राजस्थान में मैंने BJP में कभी नहीं देखी जो इस वक्त देखी जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि पहली बार BJP में आपस में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है आगे बढ़ने की, वो सब आपके सामने है। ये कटारिया जी का बोलना हो या उपनेता का बोलना हो या BJP अध्यक्ष का बोलना हो, ये तमाम जो बोल हैं ये खाली अपने आप को पार्टी के अंदर स्थापित करने की प्रक्रिया का अंग है,
ये बाकी इनकी इनके पास कोई कहने को है नहीं, ना ये कोई विपक्ष भूमिका निभा पा रहे हैं। ये भूमिका निभाने भी असफल साबित हो रहे हैं। ये स्थिति इनकी बनी हुई है। कॉर्नर में हमने देख लिया इनके बारे में क्या स्थिति बनी।